पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, तीन राज्यों में 8 सालों तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में हम ऑडिटर रहे हैं, ऑडिट का वाला काम करते थे। 8 सालों में हम 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और अकेले ऑडिट किया करते थे। ऑडिटर अब जो पोस्ट होता है ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है। अभी जो हमारी सैलरी और जो पर्क्स सब मिलाकर के 2.5 लाख रुपया महीने की इनकम थी, महीने की इनकम 2.5 लाख रुपया पर मंथ। जरा सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, मनन करने वाली बात है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर हैं, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतनी अच्छी फैसिलिटी, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, करने से क्या फायदा होगा, क्या करना पड़ता है और क्या क्या सावधानी रखना पड़ता है, आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। लेकिन शर्त है, शर्त है कि गौर से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। देखिए ये बात हम क्यों बार बार बोलेंगे और हर एक मीटिंग में बोलते हैं, 90% लोग, गौर से सुनिएगा, 90% लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं। 90% लोग, एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं, एक क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, टीचर वही, प्रिंसिपल वही, डायरेक्टर वही, टेबल कुर्सी वही, ड्रेस कोड वही, सिलेबस वही, टाइमिंग वही, क्वेश्चन पेपर वही, क्वेश्चन पेपर आंसर को जांचने वाले गुरुजी भी वही, सब चीज वही, फिर भी कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं, कुछ ब्रांच मैनेजर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ जज बनते हैं, कुछ पायलट बनते हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, उसी 50 विद्यार्थी में से 90% लोग चपरासी बनने लायक भी नहीं होते हैं। कारण क्या है, कारण है सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ठीक उसी तरह से आरसीएम में भी 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि 90% लोग ठीक से सुनते नहीं है, ना तो ठीक से कैसेट सुनते हैं, ना तो ठीक से किताब पढ़ते हैं, ना तो ठीक से सेमिनार में सुनते हैं, ना तो ठीक से जूम मीटिंग में सुनते हैं। इसलिए कहते हैं सुनना, गौर से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सुनिए, गौर से सुनिए। जिंदगी में कोई भी काम को आधे अधूरे मन से करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, पूरे तन मन धन से करने के बाद ही सफलता मिलती है। तो गौर से सुनिएगा, हमारी ज्वाइनिंग कैसे होती है आरसीएम में, अब कैसे हम इस आरसीएम को कर रहे हैं। 2006 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। चकिया पड़ता है मुगलसराय के पास, बनारस के पास। हमारी ब्रांच चकिया में थी, रहते थे मुगलसराय में, जहां हमारा आवास था और जहां हमारी ब्रांच थी, दोनों की दूरी 35 किलोमीटर दूर थी। 70 किलोमीटर हम पर डे अप डाउन किया करते थे। सुबह 8 बजे हम अपने आवास से निकलते थे, 9:30 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चकिया ब्रांच पहुंचते थे। दिन भर बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में एज ए ब्रांच मैनेजर काम करते थे। 7 बजे पूरी ब्रांच को बंद करवाते थे और घर पहुंचते पहुंचते 35 किलोमीटर सफर के घर पहुंचते पहुंचते आवास पहुंचते पहुंचते 9:30 बज जाता था। करीब करीब 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। और जिस दिन कैश फंस गया ब्रांच में, क्योंकि 4-5 कैशियर थे, जिस दिन कैश फंस जाता था रात में 9, 10, 11, 12 बज जाता था, क्योंकि बिना कैश मिलाए हम बाहर आ नहीं सकते थे, 10-11 बज जाता था। नॉर्मल 12 घंटे की ड्यूटी करते थे। एक संडे को, देखिए गौर से सुनिएगा, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम फुल टाइम कर रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। गौर से सुनिएगा, हम ये बार 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 बोलेंगे कि गौर से सुनना एक कला है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करते हुए एक संडे को मुगलसराय में DDU में अपने आवास पर बैठे हुए थे, एक अननोन नंबर से हमारे पास एक फोन आता है, उधर से फोन आता है कि वर्मा सर आप घर पर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि अननोन नंबर से फोन आया था, मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है, क्या काम है। क्योंकि ब्रांच मैनेजर हम लोग ऐसा होते हैं कि जल्दी किसी को घर पर मिलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, कोई काम होगा बैंक में मिलिए, घर पर अलाउ नहीं करते थे। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हैं, क्या काम है, क्या नाम है। उधर से आवाज आती है कि मेरा नाम डी कुमार है,
हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हेड कैशियर हैं और हम भी आप ही के मोहल्ले में रहते हैं। चूंकि डी कुमार सर से हमारा जान पहचान नहीं था, हाँ ये मालूम था कि हमारे मोहल्ले में एक यूनियन बैंक के हेड कैशियर रहते हैं, लेकिन उनसे हमारा जान पहचान नहीं था। तो पहले मैंने सोचा कि वो बैंक में कैशियर हैं और हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, कुछ बैंक वाला काम होगा इसीलिए मिलना चाहते हैं। मैंने उनको अलाउ कर दिया, वो हमारे घर पर आते हैं। आते के साथ ही मात्र 15 मिनट में RCM का मार्केटिंग प्लान दिखा दिया। मैंने मार्केटिंग प्लान को गौर से सुना। देखिए कोई भी काम कीजिए गौर से कीजिए, फिर से सुनिएगा, जिंदगी में कोई भी काम कीजिए गौर से करना चाहिए, कुछ भी काम हो मन से करना चाहिए। तो मैंने मार्केटिंग 15 मिनट का मार्केटिंग प्लान को मैंने गौर से सुना, गौर से देखा, इत्मीनान से देखा। प्लान बहुत अच्छा लगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई लागत, ना कोई हानि, ना कोई रिस्क, ना कोई जोखिम, ना कोई हानि, प्लान बहुत अच्छा लगा। उधर से डी सर हमको बोलते हैं, जो आज के समय में अभी कोर लीडर हैं, स्टार रूपी है, उन्होंने हमको मार्केटिंग प्लान दिखाया था। उन्होंने हमको पूछा कि वर्मा सर मार्केटिंग प्लान कैसा लगा। हमारे मुख से निकल गया कि आपका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा था। जैसे ही अच्छा शब्द निकला, उन्होंने बोला कि वर्मा सर आप भी आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। हमको जब ज्वाइन करने के लिए बोले डी कुमार सर, मैंने हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। हमारे मुख से निकल गया कि हमको RCM फारसीएम नहीं करना, क्योंकि नए नए थे, नया नया कुछ भी आदमी कुछ भी बोल देता है, हम भी उस समय नए नए थे। मैंने बोला हमको RCM फारसीएम नहीं करना। डी सर ने बोला क्यों वर्मा सर क्यों नहीं करना। मैंने कहा दो कारण है। पहला कारण है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बड़ी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को साबुन सरफ नमक तेल की बात करना शोभा नहीं देगा, अपना स्टेटस होता है, रुतवा होता है। पहला कारण है। दूसरा कारण मैंने बताया कि हमको मरने की फुर्सत नहीं है, हम बहुत बिजी इंसान हैं। सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात में 8:30 बजे पहुंचते हैं। 4 संडे, क्योंकि उसमें 4 संडे मिलता था, सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे, अब हुआ है। मैंने बोला कि 4 संडे में 2 संडे हमको बैंक में जाना पड़ता है, बहुत काम रहता है ब्रांच मैनेजर के पास। हम कहे हमको मरने की फुर्सत नहीं है, अब RCM फारसीएम हम नहीं करेंगे। तो जो डी सर आए थे हमारे घर पे, उन्होंने हमको बोला कि वर्मा सर RCM करने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सुनने की अच्छी कला थी, हम सुनते थे, करना या ना करना हमारी मर्जी, लेकिन सुन लेना चाहिए और अच्छी तरह से सुनना चाहिए। उन्होंने बोला कि 3 काम करना पड़ेगा। मैंने बोला बताइए, अगर करने लायक रहेगा मैं करूंगा, नहीं करने लायक रहेगा तो आज ही मना कर दूंगा। उन्होंने 3 काम में जो पहला काम बताया था कि आपको दुकान बदलना है, उन्होंने बोला आपके घर में साबुन सरफ नमक तेल हल्दी पापड़ जो बाजार से जाता है, बाजार से न लेकर के RCM से लेना है। क्यों लेना है, देखिए क्यों क्लियर होना चाहिए। डी सर ने हमारा हमें क्यों क्लियर करवा दिया था। उन्होंने बोला यहां से सामान खरीदारी करेंगे, सामान सस्ता के साथ साथ क्वालिटी मिलेगा। डी सर ने बताया था कि पिछले 1.5 सालों से हमारे घर में साबुन सरफ नमक तेल हल्दी पापड़ कॉफी चपत्ती कपड़े लत्ते सब आ रहा है RCM से, और हमको सस्ता के साथ साथ क्वालिटी नजर आता है। तो कभी कभी सफल लोग की बात को मान लेना चाहिए। जो आदमी तर्क करता है, निगेटिव बात करता है, बहस करता है, कुतर्क करता है, पितर्क करता है, बहुत पिछड़ जाता है। कभी कभी सफल लोग की बात को मान लेना चाहिए। डी सर क्या बताए थे गौर से सुनिएगा। डी सर ने बताया था कि पिछले 1.5 सालों से हमारे घर में साबुन सरफ नमक तेल सब RCM से आ रहा है, हमको सस्ता के साथ साथ क्वालिटी नजर आ रहा है। मैंने बात को मान लिया। उन्होंने बोला यहां से सामान खरीदारी करने के बाद सामान असली मिलेगा। उन्होंने बोला कि बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है, केमिकल वाला है। उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया था। देखिए किसी को क्यों पहले क्लियर कर दीजिए, सुनिएगा गौर से सुनिएगा आप लोगों की, किसी का क्यों क्लियर होना जरूरी है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जगह क्यों क्लियर हो गया था, हम RCM करते रहे बहुत तन मन से। किसी नए आदमी को क्यों क्लियर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था, पहला बताया सामान सस्ता है क्वालिटी वाला मिलेगा, दूसरा उन्होंने बोला कि सामान यहां पर असली मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया था कि इतना बड़ा चकिया है, इतना बड़ा मुगलसराय है, इतना बड़ा बनारस है, अगर किसी को 5 किलो सरसों तेल लाने के लिए भेज दिया जाए
तो बनारस में, मुगलसराय में, पटना में, रांची में, कहीं भी हजारों दुकानदार सरसों का तेल बेच रहा है, लेकिन जो आदमी घर में सरसों का तेल पेराता है वैसा तेल बाजार में नहीं मिलेगा। किसी को बोला जाए 2 किलो देसी घी लाना है तो देसी घी बाजार में हजारों दुकानदार बेच रहा है, लेकिन जिसके पास गाय है, भैंस है, वो जो घर में घी बनाते हैं वैसा घी बाजार में नहीं मिलेगा। किन्हीं को बोला जाए 2 किलो चना बेसन लाना है, 2 किलो चना मैं बेसन क्या सत्तू लाना है, या 1 किलो हल्दी पाउडर लाना है, बाजार में मिल तो जाएगा, लेकिन जो घर में बनाते हैं वैसा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, बाजार में बहुत सारा सामान नकली है, डुप्लीकेट है, मिलावटी है, केमिकल वाला है, लेकिन आरसीएम में जो भी सामान मिलेगा 100% सामान आपको असली मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बिचौलिया नहीं है। आरसीएम चले 23 साल हुआ है, अभी तक कोई भी सामान आरसीएम नकली नहीं पकड़ा गया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 23 साल में नकली नहीं पकड़ा गया है, अगले 23 साल में भी कोई भी नकली नहीं पकड़ा जाएगा। अगर बाजार का नकली सामान खाएंगे तो आपका इंजन खराब होगा, बीमारी होगा, बहुत तरह की बीमारी होगी, लेकिन अगर आरसीएम का शुद्ध सामान खाएंगे आपका इंजन सही रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो डी सर ने हमको समझाने में कामयाब हो गए कि यहां पर सामान असली मिलता है, मैं समझ गया। दूसरा उन्होंने, तीसरा उन्होंने बोला कि बाजार से खरीदारी कर रहे हैं, करते रहे थे, करेंगे, आपके खरीदारी करने से दुकानदार अमीर बन रहा है, होलसेलर अमीर बन रहा है, बिचौलिया अमीर बन रहा है, बीच वाले प्रचारक अमीर बन रहे हैं, आपके पास एक पैसा वापस नहीं होता है। हमको बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला कि आरसीएम से खरीदारी करेंगे, कंपनी आपको 45% का पार्टनरशिप बनाएगी। देखिए, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम आरसीएम से खरीदारी क्यों करें, और जो आदमी कंसेप्ट क्लियर करवाने में कामयाब हो गया उसका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा, बशर्ते एक नए लोगों का कंसेप्ट क्लियर करवाइए। आरसीएम का शुरुआती होता है राइट कंसेप्ट, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। किसी नए आदमी का कंसेप्ट राइट करवा दीजिए, सही करवा दीजिए, क्लियर करवा दीजिए। तो पहला उन्होंने बताया सामान असली है, क्वालिटी वाला मिलेगा, सस्ता मिलेगा, इनकम आएगी, यहां से खरीदारी करेंगे इनकम आएगी। अब यहां से खरीदारी करेंगे पक्के बिल मिल रहा है, जीएसटी वाला बिल मिल रहा है, यहां से खरीदारी करेंगे आरसीएम से पारिवारिक सुरक्षा मिलेगी, यहां से खरीदारी करेंगे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। बाजार से खरीदारी करते हैं कोई भी चीज डिस्काउंट नहीं मिलता है, जितना एमआरपी होता है उतना ही आपसे वसूल किया जाता है, लेकिन आरसीएम में सबसे बड़ी बात है जितना भी एमआरपी है 100% प्रोडक्ट में 10 से लेकर 25% डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है। तो पहला उन्होंने बोला कि यहां से अगर दुकान बदलते हैं तो आपके काम 30% हो जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला आपको सीखना है, इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिया उसके लिए वो काम बहुत आसान है। सीखने के लिए आसिम सीखने के लिए उस दौर में टेप होता था, सीडी होता था, कैसेट होता था, सेमिनार होता था, किताब होता था। आज भी वही चीज है, आज तो ऐसा, आज केवल वो हो गया है, आज यूट्यूब आ गया है, जूम मीटिंग आ गया है, ये सब करना है। दूसरा काम सीखना है, तीसरा काम जो है चर्चा करना बहुत जरूरी है। तीन चीज उन्होंने बताया था, हमारे तीनों चीज हमारे दिमाग में घुस गया, मैंने आरसीएम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमको लगा था तो बहुत आसान काम है। और एक मजे की बात बता रहे हैं, उस समय डी सर ने हमको 4 चेक दिखाया था। पहले चेक आता था, पहला चेक था 5,000 का, दूसरा था 7,000 का, तीसरा था 12,000 का, और चौथा था 22,000 का। चारों चेक को मैंने देखा, उनका इनकम को देखा, और एक स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, हमको कोई फर्जी चेक नहीं दिखा सकता था। चारों चेक को देखने के बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और हमको लगा नहीं ये काम करना चाहिए, मैंने करना शुरू कर दिया। करते गए मजा आना शुरू हो गया। जब मजा आना शुरू हो गया तो और तेजी से करना शुरू किया। इसका रिजल्ट क्या मिला, बैंक में 12 घंटा ड्यूटी करते हुए मैंने मात्र 11वें महीने में आरसीएम से रॉयल्टी लिया। डी सर जो हम अभी स्टार रूबी हैं, उनमें एक बहुत अच्छी आदत थी, वो किसी को स्टार्टअप जरूर करवाते थे, स्टार्टअप करवाना।
जिस आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो गया, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, जिस आदमी को स्टार्टअप करवाने की कला पता हो गया, उसका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। और डी सर स्टार्टअप करवाने में बहुत माहिर थे, तेज तरार थे। और देखिए एक किताब है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, इसमें पेज नंबर 25 पर लिखा हुआ है, किसी का ज्वाइनिंग करवाना केवल 10% कार्य है, 95% काम है स्टार्टअप करवाना। गौर से सुनिएगा, किसी की ज्वाइनिंग करवाना मात्र 10% काम है, 90% काम है स्टार्टअप करवाना। और पेज नंबर जो 22 है उसमें देखिए लिखा हुआ है, और स्टार्टअप करवाने की क्या क्या क्रियाएं हैं, 29 नंबर पेज पर लिखा हुआ है, बहुत शानदार। ये किताब सबके पास होना चाहिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। स्टार्टअप करवाने की कला पता होना चाहिए। अच्छा, अगला बार डी सर हमें बताए थे कि कैसेट सुनना बहुत जरूरी है, कैसेट सुनवाते गए, किताब पढ़वाते गए और सेमिनार। एक घटना हमको याद है, जैसे हम आश्रम ज्वाइन किए थे 5 नवंबर 2006 को बनारस में, रेस्पेक्टेड आदरणीय मुकेश कोठारी सर का एक सेमिनार हो रहा था। शुरुआत में हम नए आदमी थे, नए आदमी जल्दी सेमिनार में जाना नहीं चाहता था, हमको जबरदस्ती डी सर ले गए। और ले जाने के विधि क्या था, डी सर हमको एडवांस में टिकट सेल किए। देखिए अगर जो आदमी एडवांस में टिकट सेलिंग करते हैं उसके टीम से ज्यादा लोग जाएंगे। डी सर ने हमको एडवांस में टिकट सेल कर दिया था 5 नवंबर 2006 का। 3-4 घंटा का प्रोग्राम देखने के बाद, ये बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे किया जाता है, करने से क्या फायदा है, मात्र 3-4 घंटे के प्रोग्राम में हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो यहाँ पर स्टार्टअप करवाना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप करवाने के लिए आज के डेट में, गौर से सुनिएगा, आज के डेट में स्टार्टअप करवाने के लिए किसी को भी आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना जरूरी है, और भी जानकारी सटीक जानकारी होनी चाहिए। आज के डेट में देखिए, हम जो जैसे स्टार्टअप करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद मैंने कैसे स्टार्टअप करवाया, गौर से सुनिएगा। एक हम लोग के पास एक जादुई का पिटारा है, एक जादुई का पिटारा बनाए हुए, एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में 4-5 प्रोडक्ट रखते हैं, कुछ रखते हैं मार्केट का, कुछ आरसीएम का। देखिए एक प्रोडक्ट है बाजार का गुड्डे बिस्किट, जो गुड्डे बिस्किट बाजार का है, एक नया दूध दिखाइए जरूर, नया दूध पता चलना चाहिए कि आरसीएम के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, दाम में कम है, प्रोडक्ट में दम है, दिखना चाहिए। ये बाजार का गुड्डे बिस्किट है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन मैदा, अब मैदा लीवर के लिए बहुत हानिकारक होता है, लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है मेड इन पाम ऑयल। पाम ऑयल बहुत से कंट्री में बैंड है, रोक लगा हुआ है, प्रतिबंधित है, लेकिन गुड्डे वाले इसी में बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, सस्ता तेल यूज करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तीसरा इसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रोल 7.5 mg, बताइए तीनों चीज नुकसानदायक होता है, मैदा भी नुकसानदायक, खजूर तेल भी नुकसानदायक और कोलेस्ट्रोल भी नुकसानदायक। अब हम इसके साथ में तुलना करते हैं आरसीएम का स्वेच्छा बिस्कुट से। देखिए एक नया नुक दिखाइए कि आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, एक नया नुक दिखाते हैं कि जो आरसीएम का बिस्किट है वो आटा से बना हुआ है, फाइबर युक्त आटा से बना हुआ है, फाइबर युक्त आटा से बना हुआ है, ये राइस ब्रांड तेल में बना हुआ है, यहां भी कोलेस्ट्रोल है लेकिन जीरो है। जब एक नया दूध बताते हैं तो ये कहते नहीं, वाकई में ये बिस्किट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वाकई में अच्छा है। जिस आदमी को मालूम चल जाएगा कि इसमें कोलेस्ट्रोल है, मैदा है, खजूर तेल बना, वो अपने बच्चे को नहीं खिलाएगा, अपने परिवार को नहीं खिलाएगा, वो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेगा ही करेगा। दूसरा हम जादुई के पिटारा में रखते हैं एक टाटा नमक, जो टाटा नमक बाजार का है, 1 किलो का है, आयोडीन 15% है, कीमत है 28 रुपया। ये बाजार का तुलना करते हैं, साथ में तुलना करते हैं आरसीएम का नमक, आरसीएम का नमक भी 1 किलो का है,
आयोडीन मोर देन 15% है और कीमत है मात्र 17 रुपया। एक नए आदमी को दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर आईएसआई का मार्का है, इस टाटा नमक में आईएसआई का मार्का कहीं नहीं मिलेगा। बताइए ये मिलता है 28 का, ये मिलता है मात्र 17 रुपये का, 11 रुपये सस्ता हो गया। एक नया आदमी बताते हैं इसका पक्का बिल नहीं मिलता है, 90% दुकानदार इसका पक्का बिल नहीं देता है, नकली भी हो सकता है लेकिन इसका पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी वाला बिल मिलेगा, ये कभी नकली नहीं हो सकता है, इसका राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। इसको खरीदारी करने के बाद भारत सरकार को टैक्स जाता है, राजस्व की प्राप्ति होती है, तो इसको जब दिखाते हैं कि इसमें 11 रुपये बचत हो रही है तो लोग इसको जिंदगी भर खरीदेंगे। एक नए आदमी को प्रोडक्ट से सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अगला एक नए आदमी को दिखाते हैं कि देखिए बाजार का कोलगेट है, साथ में ले चलते हैं, जादुई पिटारा सबके पास होना चाहिए। एक नए आदमी का जब भी सोदी प्लान करते हैं, जब भी होम मीटिंग करते हैं, जब भी वीकली मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट की चर्चा करना बहुत जरूरी है और तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है। एक नए को पता चलना चाहिए, नए को पता चलना चाहिए कैसे के प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। बाजार का देखिए कोलगेट है, 100 ग्राम का है, कीमत है 69 रुपीज। इसमें फ्लोराइड पाया जाता है, फ्लोराइड हड्डी को गलाता है, नुकसानदायक चीज है, फ्लोराइड पाया जाता है, बाजार का टूथपेस्ट है। एक नए आदमी को दिखाना जरूरी है, लेकिन कब दिखाएंगे, जब आपके पास जादुई पिटारा होगा तब दिखाइए। कोठारी सर बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, दिखाना जरूरी है। साथ में दिखाते हैं कि देखिए कैभिगो है, आरसीएम का कैभिगो है, ये भी 100 ग्राम का है, ये हर्बल क्वालिटी का है, इसका कीमत 52 रुपया है, केवल 52 रुपया कीमत इसका है, इसमें नन फ्लोराइड है। गौर से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट कंसेप्ट होना चाहिए। इसमें नन फ्लोराइड लिखा हुआ है, यह 69 का, यह 52 का, 17 रुपये बच रहा है, इसका पक्का बिल नहीं मिलेगा, इसका पक्का बिल मिलेगा, ये डुप्लीकेट हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं होगा, 17 रुपये बच रहा है, इसमें लेना चाहिए। अगला हम तुलना करते हैं लोगों को, एक साबुन है लक्स इंटरनेशनल, 75 ग्राम का है, यहां पर लिखा हुआ है 75 ग्राम, कीमत है 40 रुपया। अगर 100 ग्राम का दाम निकालेंगे तो कीमत हो जाएगा 52 रुपया, 52 रुपीज। इसमें TFM है 70%, यहां लिखा हुआ है पीछे में पतले पतले अक्षरों में लिखा हुआ है, जब भी सोदी प्लान करते हैं, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, जब भी आप सोदी प्लान करते हैं, जब भी होम मीटिंग करते हैं, जब भी वीकली मीटिंग करते हैं, एक नए आदमी को दिखाइए कि देखिए इसमें TFM 70% लिखा हुआ है। TFM मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, जिस साबुन के रैपर पर जितना ज्यादा TFM होता है उतना अच्छा माना जाता है, इसमें TFM है 70%, ग्रेड हो गया दो नंबर लिखा हुआ है। अब दिखाते हैं, एक नया आदमी को दिखाते हैं, देखिए आसिम का इना साबुन है, इसका वजन है 100 ग्राम, TFM है 76%, ग्रेड है 1 नंबर, कीमत है मात्र 26 रुपया, 52 रुपया, 26 रुपया, इसका जस्ट दुगना हो गया। क्यों इसका दुगना हो गया, क्योंकि इसमें होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रचारक है, कैरियर और फ्रॉड एजेंसी है, बिचौलिए है, इसलिए दुगना दाम में मिलता है। यहां पर इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी से ले रहे हैं। देखिए एक नए आदमी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिस आदमी को आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो गया, सटीक जानकारी हो गया, वो जिंदगी भर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेगा। गड़बड़ी क्या होता है, हम एक नए आदमी को आरसीएम प्रोडक्ट की ताकत को पता ही नहीं चलने देते हैं। तो सभी के पास जादुई पिटारा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगला लोग प्रोडक्ट से संतुष्ट करना है, दूसरा सिखाने पर ध्यान देना है। आज के दौर में सीखने के लिए मॉर्निंग सेशन हो रहा है 6 AM का, जो 8 PM हो रहा है, रोजाना 8 PM हो रहा है। सोचिए आपको कामयाब करने के लिए कोर लीडर US टीम कितनी मेहनत कर रही है, बस इस जूम मीटिंग में सबको लाना है।
सबको लाना है, जूम मीटिंग में सबको लाना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, एक मिशन दिखाई पड़ना चाहिए। तो पहला हो गया सीखने के लिए जूम मीटिंग हो गया, दूसरा हो गया सेमिनार की जबरदस्त तैयारी करवाना। जब जब कहीं भी पूरे भारत में सेमिनार हो रहा है उसकी जबरदस्त तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। हमारा भी स्टार्टअप कैसे हुआ, डी सर हमको एक सेमिनार में ले चले गए थे, सेमिनार में जाने के बाद पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया। मुकेश कोठारी सर का सेमिनार देखने के बाद उसी समय मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो हमको भी आरसीएम में रॉयल्टी लेना है, टेक्निकल लेना है, लाखों रुपए पर मंथ कमाना है, करोड़ रुपए पर मंथ कमाना है। उसी दिन क्लियर हो गया, एक नए आदमी को सेमिनार में ले जाइए, बार बार ले जाइए, तो सेमिनार में ले जाना जरूरी है। लेकिन सेमिनार में ले जाने के लिए गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है, एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। जो आदमी एडवांस टिकट सेलिंग करते हैं उसका बिजनेस चलता नहीं, दौड़ता नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ता है। एक आदमी अगर 20 आदमी बैठाने के लिए ठान लिया है लेकिन एडवांस टिकट सेलिंग नहीं कर रहा है तो एक भी लोग नहीं जाएंगे, लोग गोली खिला देंगे, गोला खिला देंगे। लेकिन अगर कोई आदमी अगर 20 एडवांस टिकट सेलिंग कर दिया सेमिनार का तो 20 के 20 लोग जाएंगे, और जो जाएंगे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो स्टार्टअप ले लेंगे। तो दूसरा हो गया सेमिनार में ले जाना जरूरी है, उसके लिए एडवांस टिकट सेलिंग करना है। तीसरा हो गया नेटवर्क से संबंधित किताबें पढ़वाना है, और अभी दो किताब बहुत शानदार किताब है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। पहला है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, सही तरीका, गौर से सुनिएगा, राइट तरीका, एक किताब सबके पास होना चाहिए। और केवल होना नहीं है, दो किताब पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं भैया। दूसरा किताब है आदतों को बदलने का अभ्यास, परम आदरणीय रेस्पेक्टेड टीसी सर द्वारा किताब लिखी हुई है, कोई मामूली किताब नहीं है, करोड़पति बनाने वाला किताब है, आपको स्टार रूबी डायमंड तक ले जाने वाला किताब है। लेकिन किताब को कायदे से पढ़ना बहुत जरूरी है, गौर से सुनिएगा, कायदे से पढ़ना। कायदे से पढ़ने का मतलब क्या हो गया, पढ़ते समय पीला हाइलाइटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं कायदे से पढ़ना, पीला हाइलाइटर होना चाहिए। देखिए एक किताब है, दूसरा किताब एक किताब भी है, किताब जब भी पढ़िए आपके पास पीला हाइलाइटर होना चाहिए, पीला हाइलाइटर जरूर होना चाहिए, गौर से सुनिएगा। पढ़ना और कायदे से पढ़ना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। कोई जो कायदे से पढ़ते हैं बहुत आगे गए हैं जिंदगी में, और जो कायदे से नहीं पढ़े बेरोजगारी की लाइन में खड़े रहते हैं। कायदे से पढ़िए, आरसीएम करना और कायदे से करना दोनों में अंतर होता है। जो कायदे से आरसीएम किया रॉयल्टी बने, टेक्निकल बने, आगे बढ़े। अभी आपका लेवल कुछ भी है कोई मायने नहीं रखता है, आप आरसीएम को कायदे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मायने रखता है। कायदे से करने के लिए गौर से सुनिएगा, पहला आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज, और उसके लिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। जो लोग डायमंड क्लब करते हैं उनके घर में सारा प्रोडक्ट आरसीएम का यूज होता है। डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक, डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, बहुत सारे फायदे। पहला फायदा तो हो रहा है कि अगर जो आदमी डायमंड क्लब कर रहे हैं उनको हर एक सातवें महीने कम से कम 5,000 का सामान फ्री में मिलेगा। कितनी बड़ी चीज है, यहाँ पर आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी पता नहीं कितने सालों से खरीदारी कर रहे थे मार्केटिंग में, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में, बाजार में 1 रुपए का सामान फ्री में नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो लोग डायमंड क्लब करेंगे उनको हर एक सातवें महीने मिनिमम 5,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है फ्री का सामान आपके घर में मिलेगा। जो डायमंड क्लब करेंगे उनको 1 साल के बाद भिलवाड़ा में 2 दिन का रहना, खाना, फिरना सब चीज आपको फ्री मिलेगा, डायमंड क्लब पिन से सम्मानित किए जाएंगे। अगर आप डायमंड क्लब करेंगे आपके डाउनलाइन के लोग डायमंड क्लब करेंगे, अगर आप डायमंड क्लब करेंगे अपलाइन की निगाह में अच्छे रहेंगे, आप डाउनलाइन की निगाह में अच्छे रहेंगे, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा।
तो इसलिए डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। आरसीएम एक लेवल होता है डायमंड का, एक डायमंड का इनकम 25 से 50 लाख रुपए पर मंथ होता है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर वही डॉक्टर बनता है जो पहले एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लिया है। एक वकील या एक जज तभी जज बना है, वकील बना है जब वकालत की पढ़ाई किया है। एक पायलट जब पायलट वही बन पाया है जो पायलट की पढ़ाई किया है। यहां पर भी अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। और आरसीएम में कहा गया है सबसे बड़ी चालाकी है कि कोई भी चालाकी न किया जाए, चालाकी ज्यादा नहीं करना चाहिए। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों को मानना जरूरी है। और केवल मानना नहीं है, 50% नहीं मानना है, 60% नहीं, 80% नहीं, 100% मानना है। जो लोग एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की 100% को बातों को मानता है उसका बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ता है। लिख करके तो देखिए ने, लेकिन दुख की बात है कि 90% लोग करते नहीं है इस आरसीएम में। और यही कारण है कि 90% लोगों का जो आरसीएम स्पीड है बैलगाड़ी की तरह है। बुरा मत मानिएगा, 90% लोगों का स्पीड आरसीएम में बैलगाड़ी की तरह है। क्यों? क्योंकि जानते तो हैं लेकिन बात मानते नहीं है। डायमंड रेस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स सर बोलते हैं, नोइंग बट नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। फिर से सुनिएगा, नोइंग लेकिन बट नॉट डूइंग मतलब नॉट नोइंग। और हम भी बोलते हैं नोइंग माने जानना लेकिन बात नॉट मानिंग, मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं होइंग, कुछ नॉट होइंग। बात को मानिए, जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिलता है वो काम करना चाहिए। गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और केवल सुनना नहीं, इसको इंप्लीमेंट भी करना है। अभी देखते हैं बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल से आरसीएम कर रहे हैं लेकिन डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चलाकी दिखाते हैं, नहीं चलाकी नहीं दिखाना चाहिए। डायमंड क्लब कीजिए, आपके घर में सारा प्रोडक्ट डायमंड आरसीएम का यूज होगा। आप मार्केट में जाएंगे, किसी को शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, आरसीएम के बारे में बता भी सकते हैं। तो डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगला हो गया हमारा एक विशेष बेहतरीन टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इस आरसीएम को सीखना जरूरी है। सीखना है, टिकना है, तीन काम है, सीखना है, टिकना है और चंपालाल से बचना है। सीखने के लिए दुकान बदलना है, किताब पढ़ना है, सेमिनार में जाना है, सुबह जूम मीटिंग अटेंड करना है, रात का 8 PM जूम मीटिंग में अटेंड करना है, उसके बाद एनिवर्सरी जाना है, भीलवाड़ा विजिट करना है, अपलाइन की बात को मानना है। मतलब आप सीख रहे हैं लेकिन कायदे से सीखिएगा। दूसरा हो गया टिकना है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है, 5 साल आपको टिकना पड़ेगा। कि बहुत सारे लोग टिकते नहीं है। 1 साल आरसीएम करेगा, दूसरे साल वेस्टीज, तीसरे साल आईएमसी, चौथे साल सेप्सो, 5वें साल एमवे, 6ठे साल एक नई कंपनी में घुस जाता है, 6 साल में 6 कंपनी बदल लिया, उसको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, दल बदलू। अब बिहार में बोलते हैं पलटूराम। जो आदमी कंपनी बदलता है, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, उसके सिर पर भगोड़े का ठप्पा लग जाता है, उसका नाम रखा जाता है भगोड़ा, दल बदलू, पलटूराम। इसको ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले का कोई नेताजी है, उजला कुर्ता, उजला पैजामा, उजला जूता, उजला टोपी या उजला गमछा, उनको नेताजी बोलते हैं। वो नेताजी 1 साल भाजपा में, अगले साल सपा में, अगले साल बसपा में, अगले साल राजद में, अगले साल जदयू में, अगले साल एक नई पार्टी में घुस गया। मैंने 6 साल में 6 पार्टी बदल दिया। उसको समाज के लोग बोलते हैं दल बदलू, पलटूराम। तो ऐसा नहीं बनना है।
आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होनी चाहिए। गौर से सुनिएगा, भगोड़ा का ठप्पा मत लगने दीजिएगा। 90% लोग भगोड़ा का ठप्पा लगा लेते हैं, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी। नहीं, भगोड़ा का ठप्पा नहीं, आरसीएम पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। मरते दम तक आरसीएम में ही रहना है, भगोड़ा का ठप्पा मत लगाइएगा। बार बार हम बोलते हैं, तो सीखना है, टिकना है। तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो है चंपालाल से बचना है। गौर से सुनिएगा, चंपालाल मतलब होता है वैसे इंसान जिसे जानकारी कुछ भी नहीं है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, नॉलेज कुछ भी नहीं है। आरसीएम के दुकान पर नहीं गया होगा, कभी आरसीएम के मीटिंग में नहीं आया होगा, कभी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, लेकिन वो आदमी केवल निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, शिकायत करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, बहस करेगा। वो खाली बक 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 करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल। देखिए मुंह पर मत बोलिएगा, नहीं झगड़ा हो जाएगा। फिर मने मने हर मुस्कुरा दीजिएगा कि चंपालाल का साक्षात दर्शन हो गया है। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, वो है चंपालाल। न तो अपने सफल होगा, न दूसरे के सफल होने देता है। चंपालाल मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक मोहल्ले में मिलेंगे, हर एक शहर में मिलेंगे। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर चंपालाल है। न तो अपने सफल होगा, न दूसरे सफल होने देगा। तो आप लोग आरसीएम कर रहे हैं, आप लोगों को चंपालाल जरूर मिलेंगे। और खासकर नए नए लोग चंपालाल तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन कभी कभी चंपालाल की बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। हम बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि एक गिलास दूध है, मान लेते हैं एक गिलास दूध है। कोई आदमी अगर एक गिलास दूध पी लिया, कितना ताकत आया है, कितना एनर्जी आया है मालूम नहीं चलेगा। लेकिन कोई आदमी अगर एक गिलास महुआ वाला देसी ठर्रा पी लिया, कितना एनर्जी आया है, कितना ताकत आया है, केवल 5 मिनट में असर पड़ जाता है। कहने मतलब क्या है, निगेटिव चीजें जल्दी असर करता है, निगेटिव चीजें जल्दी असर करता है। तो आपको निगेटिव लोगों से बचना पड़ेगा, निगेटिव चीजों से बचना पड़ेगा, निगेटिव इंसान से बचना पड़ेगा। और निगेटिव लोग मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक मोहल्ले में मिलेंगे, हर एक जगह मिलेंगे। तो आपको सीखना है, टिकना है और चंपालाल से बचना है। एक काम करना बहुत जरूरी, और से सुनना एक कला है, जिंदगी का मूल मंत्र बना लीजिए। सेमिनार में जाते हैं, जूम मीटिंग में रहते हैं, किताब से पढ़ते हैं, सब जगह दम तसल्ली से करना है। गौर से कोई काम करना जरूरी होता है। अब रह गया कि आरसीएम बिजनेस करना क्यों चाहिए। गौर से सुनिएगा, अभी 2.5 लाख रुपया महीने की नौकरी छोड़कर के आरसीएम क्यों कर रहे हैं। अभी हम 11 सितंबर 2021 को मैंने बैंक से वीआरएस ले लिया, 2.5 लाख रुपया पर मंथ की नौकरी को रिजाइन कर दिया, वीआरएस ले लिया। क्यों किया, गौर से सुनिएगा। देखिए इस जिंदगी में पैसा कमाने का 2 तरीका है। पहले के बोलते हैं एक्टिव इनकम, दूसरे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद। फिर से सुनिएगा, एक्टिव इनकम मतलब होता है जब तक आप काम करेंगे पैसा आएगा, जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहा है, डॉक्टर साहब है, सीए साहब है, वकील साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठेकेदार साहब है, कोचिंग चला रहे हैं, 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, खुदा न खास्ते दुनिया से चले जाए, किसी कारण बस चले जाए दुनिया से, उनका अगले महीने का इनकम 0 हो जाएगा। जब तक काम कर रहे थे पैसा आ रहा था, काम करना बंद पैसा आना बंद, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जो आदमी एक्टिव इनकम लेते हैं उनके पास ना तो टाइम फ्रीडम होता है, ना तो मनी फ्रीडम होता है, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम, कुछ भी नहीं होता है। गौर से सुनिएगा, जो आदमी एक्टिव इनकम लेते हैं उनके पास ना तो टाइम फ्रीडम, ना तो मनी फ्रीडम, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम। और समाज के 97% लोग एक्टिव इनकम ले रहे हैं। दूसरा होता है पैसिव इनकम, काम करे एक बार पैसा आए बार बार, काम करे एक बार पैसा आए बार बार। और आरसीएम पैसिव इनकम देता है,
बस आपको एक टीम बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको सीखना है, टीके रहना है और चंपालाल से बचे रहिएगा, सीखने पर ध्यान दीजिएगा। पैसिव इनकम काम करे एक बार पैसा आए बार, काम करे एक बार पैसा आए बार। एग्जाम्पल, कोई आरसीएम का रूबी अचीवर है, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, उन्होंने 3 काम करके, दुकान बदल के, सीख करके, चर्चा करके, अगर एक नेटवर्क बना लिए, 2 लाख रुपया पर मंथ की इनकम है, रूबी का पोस्ट है, खुदा न खास्ते जिंदगी से दुनिया से ऊपर चले गए, अगले महीने यही रूबी का पोस्ट उनकी पत्नी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, वही 2 लाख रुपया पर मंथ उनकी पत्नी को लगातार मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। और आदमी को पैसिव इनकम लेना चाहिए, और ये जो पैसिव इनकम लगातार बढ़ता जाएगा, 2 लाख से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड इनकम इसमें आता है, अनलिमिटेड इनकम। पैसिव इनकम लेना बहुत जरूरी है। और जो आदमी इस जिंदगी में पैसिव इनकम लेता है, उसके पास टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, सब कुछ मिलता है। जिंदगी को जीते हैं, बाकी 95% जिंदगी को काट रहे हैं। अगला, अगर इस राशि में आप बहुत तेज से आगे जाना चाहते हैं तो शो द प्लान बहुत जरूरी है, फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, होम मीटिंग बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है और डेप्थ वर्किंग बहुत जरूरी है। देखिए 5 चीज को मूल मंत्र बना लीजिए, शो द प्लान, होम मीटिंग, फील्ड वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग। अगर एक काम करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अगला एक फार्मूला है 786, 786 रूल नंबर 786, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल्स, 8 कोर स्टेप। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो एक बार रूल नंबर 786 को देख लीजिएगा कि अंदर में कहां कमी हो रही है, कहां पर चूक हो रही है, कहां भूल हो रही है। 21 सिद्धांत है आरसीएम में, 786 मतलब हो गया तीनों को जोड़ने 21 सिद्धांत हो गया। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है। जो आदमी जितना ज्यादा 786 नंबर को फॉलो करेगा उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। उस पर हर एक तरह का वीडियो पड़ा हुआ है, यूएस के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, सारा के सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो 786 नंबर को पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगला, 27 नवंबर को आरसीएम कंपनी का एनिवर्सरी नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। अगर आप आरसीएम बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस 27 नवंबर के प्रोग्राम में जाना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। फिर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए। अगर आरसीएम में बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं तो 27 नवंबर को आरसीएम की 23वीं एनिवर्सरी में जरूर चलिए। केवल जाना नहीं है, अपने डाउनलाइन में सबको ले जाना है। लेकिन दुख की बात है, कि 30,000 टिकट सारा सोल्ड आउट हो चुका है। प्रिंट होने के पहले सारा टिकट सोल्ड आउट हो चुका था, सारा टिकट सोल्ड हो चुका है। दुख की बात है, लेकिन खुशी की बात है, कि आपके जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, आपके जो टेक्निकल अचीवर हैं, आपके जो इमराल्ड और स्टार इमराल्ड रूबी हैं, उनके पास कुछ न कुछ टिकट होगा। विनती करके, निवेदन करके, उनसे टिकट ले करके 27 नवंबर को दिल्ली एनिवर्सरी में जरूर चलिएगा, जरूर चलिएगा। जाने के बाद बहुत से लोगों की तकदीर खुलेगा, किस्मत खुलेगा, नसीब बदल जाएगी। हम तो कहते हैं जो आदमी जितना 2 साल में नहीं सीख पाया है, गौर से सुनिएगा, जो आदमी इस आरसे में पिछले 2 साल में जितना नहीं सीख पाया होगा उससे ज्यादा मात्र एक एनिवर्सरी प्रोग्राम जो हो रहा है 27 नवंबर को, उससे ज्यादा सीख लेगा मात्र एक दिन का प्रोग्राम में। तो उसमें जरूर चलिए। जब हम आरसीएम ज्वाइन किए थे उस समय हम स्टेट बैंक चकिया में ब्रांच मैनेजर थे, हम भी जाना नहीं चाहते थे। डी सर, आदरणीय डी सर, हमको कोलकाता एनिवर्सरी में ले गए थे, जबरदस्ती ले गए थे, चार
घंटे का प्रोग्राम देखने के बाद दिमाग का बिना चीरफाड़ का ऑपरेशन हो गया था, और ऐसा ऑपरेशन हो गया कि जबरदस्त तरीके से काम किए। अब मात्र 11वें महीने में रॉयल्टी लिए थे, मात्र 11वें महीने। वो ऐसा आदमी जो 12 घंटा बैंक में ड्यूटी करता था, 12 घंटा ड्यूटी करते मैंने आरसीएम को किया और बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि 27 नवंबर का जो प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है उसमें जरूर चलिए। केवल चलना नहीं है, केवल चलना नहीं है, अपने डाउनलाइन में एक एक बंदे को ले चलना है। और क्योंकि हम बार बार कहते हैं, जिस काम को करने से बहुत बड़ा रिजल्ट मिले वो काम करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। और एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान की बातों को 100% मानना है, 100% मानना है। और किसी भी कीमत पर आरसीएम को छोड़िएगा मत। कुछ लोग 3 दिन में आरसीएम छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद, कुछ लोग 3 महीने में छोड़ते हैं, कुछ लोग 6 महीने में छोड़ते हैं, कुछ लोग 9 महीने में छोड़ते हैं, और 90% लोग 1 साल में आरसीएम को छोड़ देते हैं। छोड़िएगा मत, अदरवाइज भगोड़े का ठप्पा लगेगा, दल बदलू का ठप्पा लगेगा, पलटू राम का ठप्पा लगेगा। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। और हम बार बार कहते हैं, इस आरसीएम से बहुत लोगों की तकदीर बदला है, किस्मत बदली है, नसीब बदली है, हजारों लोगों की तकदीर बदली है और लाखों लोगों की तकदीर बदलने वाली है। शर्त है आपको सीखना पड़ेगा, आपको टीकना पड़ेगा और आपको चंपालाल से बचना पड़ेगा। बस सीखने पर ध्यान दीजिएगा। अभी आपका लेवल क्या है, आपका इनकम क्या है, कौन से पिन पर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा बिजनेस है, कौन सा नौकरी करते हैं, कुछ भी मायने नहीं रखता है। मायने रखता है इस आरसीएम में जाना कहाँ है। और आज के डेट में जो आदमी 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहा है उसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। केवल जिंदगी कट रही है, बुरा मत मानिएगा, केवल जिंदगी कट रही है। अगर जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, आने वाले पीढ़ी को बहुत अच्छी चीज मैंने प्रॉपर्टी हैंडओवर करना चाहते हैं, तो आपके लिए बस एक ही काम है, आरसीएम को। लेकिन इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना डिसिप्लिन कंटिन्यूटी पंक्चुअलिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। फिर से सुनिएगा, इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी कंटिन्यूटी के साथ करना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहते हैं, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। आपके सारे समस्याओं का समाधान है सोदी प्लान, होम मीटिंग, फील्ड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग। जो लोग एक काम को करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे। और आप लोगों ने हमारी बातों को बहुत गौर से सुना, मन से सुना, उसके लिए आप लोगों को कोटि 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 धन्यवाद। नमस्कार, जय आरसीएम।